बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब में डरना, ख्वाब में अपने आप को डरते हुए देखना, ख्वाब में किसी दूसरे इंसान को डरते देखना, ख्वाब में किसी यानी जानवर या बला से डर जाना, ख्वाब में यानी किसी को डराना या किसी इंसान का इस ख्वाब देखने वाले को डराना, इसी के मुतालिक तमाम ताबीरें आज इस वीडियो में बयान होंगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हज़रत अल्लामा इब्ने सैरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाब में डरना ये अमन की बात है। जो इंसान ख्वाब में डरा है तो इस बात की ताबीर है कि उसको अमन होगा, अमन पहुँचेगा। अगर पहले ख़राबी थी तो उस ख़राबी को दूर होकर वो अमन में आ जाएगा। अगर वो ख्वाब में देखे कि वो इंसान किसी और इंसान से डरता है और डराने वाले का इसको पता नहीं, कोई अनजान इंसान है, तो इस बात की ताबीर है कि उस डराने वाले इंसान से इस इंसान ख्वाब देखने वाले को कोई नापसंदीदा मकरूह बात पहुँचेगी, ऐसी बात पहुँचेगी जिससे इसको तकलीफ़ होगी। हज़रत जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ख्वाब में डरना जो है ये फ़तह की अलामत है। ख्वाब में अगर कोई इंसान मर्द औरत अपने आप को डरता हुआ देखे किसी बला से, मुसीबत से, तकलीफ़ से, तो ये उसके फ़तह मंद होने की अलामत है। इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं, अन नसरतु बिर्रुअबी, फ़तह जो है ये दहशत के साथ है। जब इंसान के ऊपर खौफ आएगा, दहशत आएगी, वो उस खौफ और दहशत को तोड़कर उसका मुकाबला करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अमन अता फ़रमाएंगे, इसको फ़तह अता फ़रमाएंगे। अगर कोई इंसान देखे कि किसी चोर या जानवर से या डाकू से डरा है ख्वाब के अंदर, तो इस बात की ताबीर है अपने ही लवाहिकीन से, रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, दोस्तों से इसको कोई ज़रर और नुकसान पहुँचेगा, उनसे तकलीफ़ पहुँचेगी। इसी के मुतालिक अगर आप यानी कुछ ताबीरें मालूम करना चाहते हों तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया जाता है, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।